दोस्तों आज आप देख रहे हैं होंडा लिबो 110 सीसी ब्लैक कलर में और ये डिस ब्रेक वाली बाइक हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस बाइक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इस बाइक की ऑन रोड प्राइस क्या है, बाइक की माइलेज कितनी है, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने वाले हैं। बने रहें वीडियो में और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले वाइजर से हम शुरू करते हैं इस बाइक की डिटेल में बताने। इस बाइक का वाइजर चेंज हो चुका है पहले की अपेक्षा, तो यहाँ पर आपको कुछ नई डिज़ाइन में अब आप लोगों को वाइजर मिलने लगा है और यहाँ पर होंडा का स्टीकर। और ये बाइक डीसी करंट के साथ आती है, चाबी ऑन करने पर इसके हेडलाइट ऑन हो जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पार्ट लग रहा है बाइक का। और इस बाइक का इंडिकेटर वही नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर, बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक बार भाई दिखा दीजिए, यहाँ पर टेलीस्पोकिक सस्पेंशन इस बाइक में आपको मिल जाता है और ग्लॉसी ब्लैक कलर में मैड गार्ड मिल जाएगा इस बाइक में। और यहाँ पर दिखा दीजिए भाई, सिंगल पिस्टन का कैलिपर आपको इस बाइक में मिल जाएगा, 240 mm की ड्रिस ब्रेक। और इस बाइक का टायर की साइज़ भाई दिखा दीजिए एक बार, तो यहाँ पर इस बाइक का टायर है 8018 का ट्यूबलेस टायर आपको MRF का मिल जाएगा इस बाइक में। और यहाँ पर एक बार दिखा दीजिए भाई, यहाँ पर लेवो का स्टिकर रेड और यहाँ पर कार्बन फाइबर में स्टिकर। यहाँ पर ESP एनहांस्ड स्मार्ट पावर के साथ ही बाइक आती है और यहाँ पर इंजन के ऊपर होंडा लिखा मिल जाता है। और यहाँ पर इस बाइक में किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट की सुविधा दोनों मिल जाती है। और यहाँ पर ऑयल फिल्टर इस बाइक में मिलने लगा है और यहाँ पर कैटलेटिक कन्वर्टर आपको साइलेंसर के ऊपर मिल जाएगा और इसके ऊपर कोई प्लेट नहीं लगी है। और यहाँ पर मेटल में ब्रेक पैडल आपको मिल जाएगी इस बाइक में। और साइलेंसर के ऊपर भाई दिखा दीजिए, साइलेंसर के ऊपर स्टील में एक प्लेट मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है बाइक देखने में। पीछे की साइड में 5 एडजस्टेबल हाइड्रोलिक साकर आपको इस बाइक में मिल जाते हैं और 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको इस बाइक में मिल जाती है। और इस बाइक की टायर की साइज़ हम पीछे की दिखा देते हैं एक बार, कहाँ गया भाई, 8018 का ट्यूबलेस टायर MRF का इस बाइक में मिलने लगा। और एक बार पीछे की साइड भाई दिखा दीजिए, ग्लोसी ब्लैक कलर में सीट टैग मिल जाता है और यहाँ पर सेंटर प्लेट के ऊपर होंडा की स्टिकर आपको इस बाइक में मिल जाता है। एक बार हम इसका चाबी ऑन करके आप लोगों को दिखा देते हैं, तो यहाँ पर पीछे की टेल लाइट कुछ इस प्रकार से और नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है बाइक देखने में। और एक बार यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर और यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की सुविधा इस बाइक में मिल जाएगी। और इस साइड से भाई दिखा दीजिए एक बार, तो यहाँ पर अगर आप चाबी को लगाएंगे और सीट को ओपन कर सकते हैं। लेडीज़ फुटरेस इस बाइक में मिल जाता है और यहाँ पर फाइबर की चेन कवर इस बाइक में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर लीवो के स्टिकर और कार्बन फाइबर कलर में ये पैनल आपको मिल जाएंगे और पहले से बहुत चेंज हो चुके हैं पैनल, पहले छोटे आते थे और अब यहाँ तक बड़े आने लगे हैं पैनल। इस बाइक में 4th गियर का गियर बॉक्स आपको मिल जाएगा और यहाँ पर होंडा लिखा मिल जाएगा। और ये बाइक साइलेंट स्टार्ट होती है, यहाँ पर कोई सेल्फ की मोटर नहीं लगी है, ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी और पता ही नहीं चलेगा कि ये बाइक स्टार्ट हो गई है या नहीं। इस बाइक का इंजन 109.51 सीसी का एयर कूल इंजन आपको मिल जाता है और इस बाइक की पावर 7500 RPM 8.67 PS की पावर और 5500 RPM पर 9.30 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। और यहाँ पर ये सिंगल हॉर्न के साथ ये बाइक आपको मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा मस्त बाइक लग रही है। एक बार टैंक काउल के ऊपर भाई दिखा दीजिए, तो इस बाइक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9 लीटर की है और यहाँ पर होंडा की बैजिंग और यहाँ पर होंडा आपको 3D में लिखा मिल जाता है। और यहाँ पर वाइट ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है बाइक। और एक बार इसका मीटर कंसोल भाई दिखा दीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हाफ एनालॉग और हाफ डिजिटल मीटर के साथ ये बाइक आपको मिलेगी। और यहाँ पर न्यूट्रल पास की लाइट और यहाँ पर टाइम भी ये बाइक बताती है और यहाँ पर ट्रिप और यहाँ पर आपको टोटल इस कितना किलोमीटर चली है बाइक यहाँ पर बताएगी। और यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर और यहाँ पर आपको स्पीड मीटर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर राइट साइड भाई दिखा दीजिए, यहाँ पर एक बार लेफ्ट साइड भाई दिखा दीजिए, तो यहाँ पर पूरी स्विच चेंज हो चुकी है पहले की अपेक्षा। यहाँ पर पास की बटन और यहाँ पर इंडिकेटर की बटन और यहाँ पर हार्न की बटन। और एक बार इस साइड भाई दिखा दीजिए, यहाँ से आप इंजन को स्टार्ट कर देते हैं, साइलेंट स्टार्ट इस बाइक में आता है। और यहाँ पर डबल तार की स्टीलेटर केबल आपको मिल जाएगी जो कि और भी ज़्यादा स्मूथ इस बाइक को बनाती है। ये बाइक आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है, अगर हम पीछे की ब्रेक लगाएंगे तो आगे की भी ब्रेक लगेगी इस बाइक में। और इस बाइक की माइलेज है 60 किलोमीटर प्रति लीटर और इस बाइक की पूरी लंबाई है 2020 mm
और चौड़ाई 742 mm इस बाइक की रखी गई है। और इस बाइक की सीट है 790 mm जो कि बैठने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस बाइक का वजन 113 kg है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक आपको मिल जाती है 110 cc के सेगमेंट में। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm है और व्हील बेस 1278 mm रखा गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक आपको मिलेगी। इस बाइक की टॉप स्पीड 95 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ये बाइक चलेगी। और इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है 98,500 CK होंडा कुचेरा। यहाँ से आप किसी भी होंडा की बाइक को ख़रीद सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।